लेस कॉक्स की गुफाएं मॉन्टेग्नैक के पास एक गांव में स्थित है। इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर कई तरह के जानवरों की चित्रकारी की गई है। इन चित्रों को लगभग 17,000 साल पुराना बताया जाता है। साल 1940 में 18 साल के मार्शल रेविदत्त ने इस गुफा की खोज की थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन गुफाओं को खोल दिया गया था। प्रतिदिन करीब 1200 लोगों के आने से यहां का वातावरण खराब हो गया, जिसके प्रमाण स्वरूप 1963 में इन गुफाओं को बंद कर दिया गया। निहाउ आइलैंड हवाई में स्थित निहाउ आइलैंड को फॉरबिडन आइलैंड भी कहा जाता है। साल 1864 में इसे एलिजाबेथ सिंक्लेयर ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा था। साल 1952 पोलियो महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचने के लिए इस द्वीप पर छोड़ने के लिए कहा जाता था। सौभाग्य से इस दौरान कोई भी व्यक्ति इस महामारी की चपेट में नहीं आया। आज इस आइलैंड पर सिर्फ 170 लोग ही रहते हैं। यहां आज भी अधिक लोगों के जाने पर आज भी पाबंदी है।